आज मैं आप लोग को बताऊंगा HUF के बारे में। HUF होती क्या है और HUF क्रिएट कैसे करते हैं और HUF क्रिएट करने के फायदे क्या क्या हैं। अगर आपको HUF क्रिएट करनी है तो क्यों करना चाहिए। HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड HUF अंडर द हिंदू लॉ इज अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ लीनियल डिसेंडेंट्स फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर्स। इसका मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल है, उनकी वाइफ और उनके अनमैरिड बच्चे इसमें शामिल होकर एक HUF क्रिएट कर सकते हैं। ये सेम ब्लड लाइन में होनी चाहिए। HUF के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला ये है कि HUF इज ट्रीटेड एज अ पर्सन अंडर सेक्शन 231 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इसका मतलब है कि जब भी असेसमेंट होगा HUF को एक अलग इंडिविजुअल माना जाएगा और HUF इज अ सेपरेट एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। जब भी असेसमेंट होगी, इनकम टैक्स की कोई प्रोसीडिंग होगी, सो एक इंडिविजुअल के तौर पे HUF को देखा जाएगा। अगर इसको सिंपल वे में एक्सप्लेन करें, इफ ए बी सी इज अ मैरिड टैक्स पेयर एंड हैज अ फैमिली, ही कैन क्रिएट एन HUF व्हिच इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी फॉर द टैक्स पर्पस। अब ये क्रिएट क्यों करते हैं इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो हु कैन क्रिएट HUF? HUF कौन क्रिएट कर सकता है? जैसा कि हमने देखा, अ हिंदू फैमिली कैन कम टुगेदर एंड फॉर्म एन HUF। हिंदू के अलावा बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख्स भी जो है वो HUF क्रिएट कर सकते हैं। Who are the beneficiaries of HUF? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बेनिफिशियरी कौन कौन होते हैं? अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एन HUF इंक्लूड्स थ्री जनरेशन ऑफ अ फैमिली एंड इट्स मेंबर्स। इट कंसिस्ट ऑफ द कर्ता, टिपिकली द हेड ऑफ द फैमिली। जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो कर्ता बोला जाता है। कर्ता एक वो इंडिविजुअल होता है जिसके पास HUF के बिहाफ में सिग्नेटरी अथॉरिटी होती है, साइन करने की अथॉरिटी होती है और डिसीजन मेकिंग पावर भी होती है। ऑल अदर पर्संस हु आर द बेनिफिशियरीज लाइक स्पाउस, चिल्ड्रन, दे आर कॉल्ड द को पार्सनर्स। सो एक कर्ता होता है, उसके अलावा फैमिली के जितने मेंबर होते हैं उनको को पार्सनर्स बोला जाता है। अब को पार्सनर्स होते क्या क्या है? मेंबर ऑफ द HUF आर कॉल्ड को पार्सनर्स। अ को पार्सनर्स इज अ जॉइंट हेयर टू द फैमिलीज प्रॉपर्टी एंड हैज द लीगल राइट टू द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बाय बर्थ। अगर कोई भी न्यू बॉर्न बेबी होता है वो लीगली राइटफुल हो जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए अंडर द HUF। HUF मेंबर्स इंक्लूड मेल मेंबर्स सच एज सन्स एंड सन्स सन एंड सन्स सन सन एंड फीमेल मेंबर्स सच एज वाइफ, चिल्ड्रंस, डॉटर इन लॉ एंड ग्रैंड चिल्ड्रंस। द सीनियर मोस्ट मेंबर इज कॉल्ड द लास्ट होल्डर। सो ये है यहाँ पे बेनिफिशियरीज HUF के। नेक्स्ट कम्स हाउ टू फॉर्म द HUF। HUF फॉर्म करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। एन HUF गेट्स फॉर्म ऑटोमेटिकली आफ्टर द मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल। ये तो हो गई आपकी नॉन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज कंसिडर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द फैमिली। हाउएवर, इट वुड बी लीगली एक्सेप्टेड ओनली व्हेन अ डीड ऑफ द HUF इज ड्राफ्टेड एंड एग्जीक्यूटेड फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर। इनकम टैक्स के अंदर में एक डीड बनानी पड़ती है HUF की और फिर जाके HUF क्रिएट होता है। इसका प्रोसेस आगे की स्लाइड में और भी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं मैं। सी प्रोसेस HUF फॉर्म करने का क्या क्या है। स्टार्ट करने के बाद दो तीन स्टेप है, उसके बाद आपका HUF फॉर्म हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप इज राइट एन HUF डीड। ये आप किसी CA से या किसी लॉयर से HUF की डीड क्रिएट करवा सकते हैं और उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है क्लियरली मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद पैन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा फॉर दी HUF। HUF का सेपरेट पैन नंबर रहेगा। इसमें कर्ता का पैन नंबर या जो को पार्सनर है उसमें से किसी का भी पैन नंबर HUF के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। HUF का सेपरेट पैन नंबर चाहिए। और पैन नंबर आने के बाद डीड और पैन नंबर के हिसाब से आप जो भी है अपना प्रूफ सबमिट करके बैंक अकाउंट एक ओपन कर सकते हैं किसी भी बैंक में HUF के नाम पे। सो उसके बाद जाके आपका HUF क्रिएट हो जाएगा। अगर HUF क्रिएट होता है तो उसमें एसेट्स कौन कौन क्रिएट कर सकता है, इवन लायबिलिटीज एज वेल। सो अ कर्ता कैन कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द HUF। व्हेन आई से कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द HUF मींस HUF के नाम पे आप प्रॉपर्टीज परचेज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या डिपॉजिट्स कर सकते हैं, कुछ भी। को पार्टनर्स कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग एसेट्स फॉर द HUF। को पार्टनर्स भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। Taxation must be kept in the mind while contributing to the HUF. जब भी आप HUF के नाम पे कोई purchase या sell कर रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी उसपे returns आएंगे,
वो एचयूएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्सेबल होंगे। तो इसको ध्यान में रख के आप जो भी एसेट क्रिएट कर रहे हैं एचयूएफ में करें। हाउ इज एचयूएफ टैक्स्ड? एचयूएफ को जब टैक्स करना होगा तो इनकम टैक्स में कैसे होगा? एचयूएफ हैज इट्स ओन पैन नंबर एंड फाइल्स अ सेपरेट टैक्स रिटर्न। जैसा हमने देखा इसका सेपरेट पैन नंबर होता है और सेपरेट इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है। एचयूएफ की जो टैक्सेशन होती है एक इंडिविजुअल की जैसे होती है सेम वैसे ही होती है। इंडिविजुअल के तौर पे एचयूएफ को देखा जाता है और डिडक्शन जो होते हैं सेक्शन 80 के वो सारे एप्लीकेबल होते हैं एचयूएफ के ऊपर भी। नाउ एचयूएफ कैन पे अदर एक्सपेंडिचर्स आल्सो ऑन इट्स बिहाफ। जैसे कि हुआ सैलरी अगर किसी मेंबर को पे करना है हु इज एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग इनटू द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द एचयूएफ, चाहे अकाउंट्स मेंटेन करना हो या कोई भी एक्टिविटी, ये जो सैलरी एक्सपेंस है इसको एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं एचयूएफ के अंदर में। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड फ्रॉम द एचयूएफ इनकम। जैसे हम एक इंडिविजुअल कोई भी सैलरी या बिजनेस इनकम अर्न करते हैं उसको हम लोग निवेश करते हैं कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, सिमिलर वे में एचयूएफ भी अपने इनकम को री इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनी रिटर्न फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट्स आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एचयूएफ। कोई भी रिटर्न आएगा वो टैक्सेबल रहेगा एचयूएफ के रिटर्न में। व्हाट इज द टैक्स सेविंग अंडर एचयूएफ, व्हाई शुड यू क्रिएट एचयूएफ? कोई भी एचयूएफ क्रिएट करेगा तो उसका कुछ बेनिफिट होगा तभी करेगा। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ कि कैसे आप एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ टैक्स सेव कर सकते हैं जस्ट बाई फॉर्मिंग एन एचयूएफ। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया मिस्टर एक्स का, हु डिसाइडेड टू स्टार्ट एचयूएफ इंक्लूडिंग हिज वाइफ सन एंड डॉटर आफ्टर हिज फादर पासेस अवे। सो उन्होंने एक एचयूएफ फॉर्म किया। सिंस मिस्टर एक्स डज नॉट हैव एनी सिबलिंग हिज फादर्स प्रॉपर्टी वाज ट्रांसफर्ड अंडर द एचयूएफ। सो उनके कोई ब्रदर या सिस्टर कोई भी नहीं है, सो फादर की सारी प्रॉपर्टी उनको ट्रांसफर हो गई। नाउ लेट्स से इफ द एनुअल रेंट ऑफ हिज फादर्स प्रॉपर्टी इज 7.5 लाख, उनके पिताजी की जो संपत्ति है उस पे 7.5 लाख का उनको रेंट आ रहा है और मिस्टर एक्स ऑलरेडी एक सैलरीड इनकम है जिसकी सैलरी है 20 लाख रुपए सालाना। अब हम देखेंगे कि कैसे वो एज ए इंडिविजुअल अगर टैक्स फाइल करते हैं तो कितना टैक्स लगता है और एज एन एचयूएफ फाइल करते हैं तो कितना टैक्स लगता है। हमने हेड वाइज कॉलम वाइज अगर आप देखें इनकम ऑफ मिस्टर एक्स क्रिएटिंग एचयूएफ, इनकम ऑफ मिस्टर एक्स आफ्टर क्रिएटिंग एचयूएफ एंड एचयूएफ इनकम। सो ये वो इनकम है लास्ट कॉलम जो सिर्फ एचयूएफ की इनकम है और ये वो इनकम है जो एचयूएफ क्रिएट करने के बाद मिस्टर एक्स को पे करना है और फर्स्ट कॉलम जो है ये वो इनकम है जो मिस्टर एक्स पे करते अगर वो एचयूएफ क्रिएट नहीं किए होते तो। नॉर्मल सिनेरियो में लेट से एचयूएफ नहीं है तब का टैक्स ये है। सैलरी इनकम फर्स्ट है 20 लाख जो मिस्टर एक्स के अकाउंट में जाएगी और एचयूएफ क्रिएट करने के बाद भी सिंस मिस्टर एक्स इज अ कर्ता ये 20 लाख एचयूएफ क्रिएट करने के बाद भी इनको ही पे करना पड़ता, एचयूएफ का इनकम यहाँ पे जीरो है। प्रॉपर्टी रेंट जो है अगर मिस्टर एक्स एचयूएफ क्रिएट नहीं करते तो 7.5 लाख उनके इनकम में ऐड हो जाती क्योंकि ये एंसेस्टर प्रॉपर्टी से उनको रेंटल इनकम मिली है जिसके ओनर वो हो गए। और अगर मिस्टर एक्स एचयूएफ क्रिएट कर लेते हैं तो मिस्टर एक्स के अकाउंट में 7.5 लाख नहीं जाता है, एचयूएफ के अकाउंट में चला जाता है। सो यहाँ पे एक बेनिफिट यहाँ पे 7.5 लाख का डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन दी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है रेंटल इनकम पे अंडर इनकम टैक्स एक्ट। So 2.25 lakhs मिल रहा है यहाँ पे, which is 30% of 7.5 lakhs. So यहाँ पे 2.25 lakhs का इनको deduction मिल रहा है। Second column में ये deduction नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे income ही add नहीं हुआ है rent का। So ये मिलेगा HUF को, 7.5 लाख में से 2.25 lakhs minus हो गया as a standard deduction. So income from property कितना बच गया? 5.25, which is 7.5 minus 2.25 equals to 5.25. So, ये हो गया प्रॉपर्टी इनकम जो मिस्टर एक्स पे करते अगर वो एचयूएफ क्रिएट नहीं किए होते। मिस्टर एक्स ने अगर एचयूएफ क्रिएट कर लिया है तो ये रेंटल इनकम इनके अकाउंट में जीरो है और एचयूएफ के अकाउंट में वो 5.25 हाउस रेंट का इनकम ऐड हो गया। टोटल टैक्सेबल इनकम अब हो जाता है मिस्टर एक्स का 20 लाख प्लस 5.25 लाख, तो 25.25 लाख ये एचयूएफ क्रिएट नहीं करने के है। और अगर मिस्टर एक्स ने एचयूएफ क्रिएट किया हुआ है उसके आप बात देखें तो इनकम से 20 लाख होती है उनकी क्योंकि 5.25 ये चला गया एचयूएफ के अकाउंट में। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन सारे केसेस में मिलेगा 1.5
5 लाख, माफ कीजिएगा सेक्शन 80C डिडक्शन जो है 1.5 लाख का, ये तीनों केसेस में मिलेगा। सो 1.5 लाख के अमाउंट डिडक्ट करने के बाद नेट टैक्सेबल इनकम जिस पे टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है आपको 23.75 लाख पे करेंगे मिस्टर एक्स इफ ही हैज नॉट क्रिएटेड एचयूएफ। और अगर उन्होंने एचयूएफ क्रिएट किया हुआ है तो उनको सिर्फ 18.5 लाख के ऊपर में टैक्स पे करना है, क्योंकि 3.75 लाख यहाँ पे एचयूएफ के अकाउंट में ऐड हो गया है। अब टैक्स पेएबल क्या होगा, मिस्टर एक्स विदाउट क्रिएटिंग एचयूएफ उनको टैक्स जा रहा है 5.5365 लाख, और एचयूएफ क्रिएट करने के बाद इनको 3,91,400 रुपए सिर्फ टैक्स जा रहे हैं और एचयूएफ के अकाउंट में सिर्फ 7,725। तो यहाँ पे देखिए टोटल टैक्स पेड बाय मिस्टर एक्स एंड एचयूएफ कितना होता है, 3,99,125, जो कि 3,91,400 प्लस 7,725 इन दोनों को ऐड करके आया है। और टैक्स सेविंग कितनी हो रही है एचयूएफ क्रिएट करने के बाद इनको, 1,54,500। सो ये बेनिफिट है एचयूएफ क्रिएट करने के बाद 1,54,500 रुपए का मिस्टर एक्स को यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट हुआ बाय क्रिएटिंग ऑन एचयूएफ। अब कंक्लूजन क्या आता है, कंक्लूजन में ये हम पाते हैं कि एचयूएफ इज एन एक्सेलेंट टूल टू सेव टैक्स। डेफिनेटली एक ऐसा टूल है जो दिया गया है हिंदूज को, सिख्स को, बुद्धिज को, जैनिज्म को, दे कैन क्रिएट एचयूएफ एंड सेव गुड अमाउंट ऑफ टैक्स। ऑल दोज इन द हायर टैक्स ब्रैकेट मस्ट लुक एट एचयूएफ टू सेव टैक्सेस। जो भी हाई टैक्स ब्रैकेट्स में है उनके लिए बहुत अच्छी चीज है ये। इट विल मीन सेपरेट लीगल एंटिटीज क्रिएटेड इन द नेम ऑफ कर्ता, हाउएवर द सेविंग्स फॉर द टैक्सेस ट्रम्प्स द एक्स्ट्रा पेपर वर्क दैट नीड्स टू बी डन। जैसा कि हमने डिसएडवांटेजेस में देखा था कि एक्स्ट्रा पेपर वर्क है, एक्स्ट्रा एंटिटी क्रिएट हो जाती है, वो एक डिसएडवांटेज है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो आपको टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं, टैक्स सेविंग्स मिल रही है, उसको देखते हुए ये पेपर वर्क काफी छोटा साबित होता है। सो अगर आपको एचयूएफ क्रिएट करना है या रिटर्न फाइलिंग के लिए है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज ये काफी लोगों को पता नहीं है कि एचयूएफ को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं अपने टैक्स सेविंग के लिए।